ओके okay, चलिए अब अब हम आ, ब्रेक के बाद ब्रेक से पहले राधर कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे उन पर बात करते हैं मनीष जी के साथ मनीष जी आपने दो एग्जाम्पल लिए जोमेटो और ट्रेंड मैं जोमेटो से शुरुआत करता हूं पहले जोमेटो का आईपीओ आया शानदार लिस्टिंग हुई उसके बाद आ, बड़ी करेक्शन आई स्टॉक में बावन पचपन तक आया वहाँ एक बॉटम बना वहाँ से लेकिन अब इस लेवल पर आ गया है कि शायद निफ्टी का स्टॉक भी बन जाए इसकी कहानी से क्या लेसन मिलते हैं और क्या अब ये स्टॉक जो है वो एक्सट्रीम पैसमिज्म से कंप्लीट यूफोरिया में आ गया वापस या सो सी मैं नॉर्मली स्टॉक के बारे में आई डोंट लाइक टू स्पीक एंड इट्स अ ग्रेट कंपनी विच हैव ग्रेट एडमिनेशन फॉर एंड वी हैव ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम इट बट बिकॉज आई गेव यू इन्फोसिस एग्जाम्पल विच इज़ आर डियरेस्ट क्लोजेस्ट टू हार्ट कंपनी इसकी भी आई गेव इन दैट मैनर दैट आज ये तीस बिलियन डॉलर रफली मार्केट कैप हो गया एंड दे आर सो स्मार्ट कि उन्हें भी पता है कि यू नो वैल्यूएशन इज फैंटेस्टिक इसलिए वो भी शायद आगे अपना क्यू आई पी कर लें एंड टेक्टिकली ऑल्सो इज द राइट थिंग टू प्रियम्प्ट वट स्विगी इज ट्राइंग टू डू बिल्कुल वॉट देव बिल्ट एज अ बिजनेस हेड्स ऑफ फैंटेस्टिक बट अगर आपको तीस बिलियन डॉलर की कंपनी यानी कि ढाई लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप हो गया है एंड लाइक आई से रिटर्न एक्सपेक्टेशन है कि दस साल में एटलीस्ट चार गुना हो जाए तो तीस से एक सौ बीस बिलियन की जर्नी होगी यानी दस लाख करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए दस साल में द कंपनी विल बी फेयरली अ बिल्ट आउट कंपनी लाइक टुडे वी काउंट इन्फोसिस वॉज अ ग्रोथ कंपनी नाउ इट्स अ फेयरली बिल्ट आउट कंपनी लेट से तीस का पी हो गया तो आपको ऑलमोस्ट तीन चार बिलियन डॉलर प्रॉफिट कमाना है आज आपका प्रॉफिट समझिए कितना सौ डेढ़ सौ बिलियन डॉलर है तो जो मल्टीपल है इज पेइंग सो मच फॉर द फ्यूचर कि प्रॉफिट मस्ट ग्रो थ्री टाइम्स ऑफ योर एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द स्टॉक annually, which is very difficult to do. आई एम नॉट सींगस इम्पॉसिबल बट लाइक आई सेट ए सीमेट्रिकल बैट पचास पचहत्तर में तो पूरा गांव टूट गया था उसके इफ यू डिड आज uh, कितना पौने तीन सौ का भाव है एंड hmm. uh, इसको आपसे डिवाइड so, तो तो को साठ भी कर लो तो फोर पॉइंट फाइव सो चार पांच बिलियन में जब आप ले रहे थे hmm. आप तो दस साल में मेरा दस गुना हो सकता है क्या पचास hmm. बिलियन हो सकता है चांस hmm. है संभावना है बट तीस आज ही कर दिया आपने तो पचास का ऑर्ड्स ज नॉट इंटरेस्टिंग फ्रॉम टू डेट केट द इन्वेस्टर है आज आप प्राइसिंग रॉन्ग कर दें यू कॉन्ट ब्लेम इन्फोसिस अगर सोलह हजार में आपने इन्फोसिस हाँ. ले लिया था दो हजार में यू कॉन्ट ब्लेम इन्फोसिस फॉर दैट कंपनी परफॉर्म्ड हर साइकिल में देखा गया उसके पहले नाइन्टीज के दशक में हिंदुस्तान लीवर होता था हर दिवाली शो में हिंदुस्तान लीवर का रिकमेंडेशन होता था बारह साल नो no परफॉर्मेंस हाँ. फिर इन्फोसिस एंड ऑल दी अदर्स विप्रो तो खैर चौबीस साल से परफॉर्मेंस नहीं हुआ है इन द स्टॉक दो दे वे 2008 का जो टॉप बना था लाइक आई से डीएलएफ रिलायंस हाउ लॉन्ग इट टू कम बैक फ्रॉम दैट साइकिल आज आप बात कर रहे हैं जैसे एच डी एफ सी कोटक के बारे में इट टेक्स टेन टेन ईयर्स टू कम बैक फ्रॉम फ्रॉम द प्रीवियस आइस एंड कंपाउंड एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन कंपाउंडिंग कंपनी डज वेल Okay, रिटेल right. right. अच्छा, का भयकर पैसा आ रहा है मार्केट में रिटेल डर ही नहीं रहा है इस मार्केट right. में कोई करेक्शन आए छोटी बड़ी सब में बाइंग आ रही है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स पर चाहे वो बी का स्टॉक हो चाहे वो एच डी एफ सी एम सी का स्टॉक हो मोतीलाल हो कुछ Absolutely. भी आप उठा के देख लीजिए एंजल उठाकर देख लीजिए क्या ये स्पेस आगे जाकर इसी तरीके से कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकती है सी अगेन आपके ही शो पे आके मैंने यू नो मार्केट स्टॉक्स के बारे में शायद दो साल पहले बात करके एंड ए एम सी इज वॉर हेटेड बिकॉज से बी वॉज क्लैंपिंग डाउन एट दैट टाइम द वे इट इज़ हैपनिंग टूडे विद एक्सचेंजेस एंड सो वेन देर इज फियर एंड अनसर्टेंटी दैट्स वेन यू गेट प्राइसिज टूडे देर इज़ नो फियर एंड अनसर्टेंटी अबाउट ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड आई एम अ क्रीचर ऑफ़ द मार्केट मार्केट भी सिक्लिकल है जैसे hmm. हमने कहा कि अगर ये मार्केट एक्सेस हो जाता है hmm. तो इसमें जब करेक्शन आएगा तो द सेम कंपनीज़ मे नॉट बी एबल टू डिलीवर इवन द करेंट अर्निंग्स दे मे फॉल बैक बाय वन और टू इयर्स तो अगर आप में ये बिजनेस की समझ है और यू वांट टू होल्ड थ्रू द साइकिल देन इट मेक सेंस बट आई डोंट थिंक वी कैन एक्सट्रापोलेट इन अ स्ट्रेट लाइन क्योंकि पिछले सात आठ सालों में लोगों ने लॉस देखा ही नहीं है इस मार्केट में बिल्कुल तो ऐसा एक साल डेढ़ साल अगर ऐसा आए एंड आई डोंट विश इट एवर कम्स टू एनी बट अगर ऐसा है तब ये रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये तो सिक्लिकल धंधा है एंड जैसे 2008 हजार की क्राइसिस में सब भाग के पैसा डाल रहे थे एस डिपॉजिट में और एच डिपॉजिट में आज उसका एकदम रिवर्स चल रहा है कि सब भाग के जल्दी जल्दी पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड में डालो hmm. तो ये जब साइकिल प्ले आउट होते हैं देन यू गेट रिवर्जन बैक टू मीन एंड आई डू थिंक कि over -stretched है अब. Okay. थोड़ा ओवर स्ट्रेच हैं हम ओके थोड़ा सा स्पेस में over -stretched. तो uh, मनीष जी फिर इन सब का बेसिक सार क्या है अब इन्वेस्टर investor... क्या एक्सपेक्टेशन रखे आ, ना सिर्फ अगले सवर्ध के लिए बट अगले चार से पाँच साल के लिए क्योंकि उससे ज़्यादा खैर विजिबिलिटी भी नहीं होती है तो क्या एक व्यू रखा जाए सी मैंने ये आज की बात नहीं है पच्चीस तीस साल का रिकॉर्ड है कि इंडिया में करीब तेरह से पंद्रह परसेंट अर्निंग कंपाउंड होती है और जब आप ऑप्टिमिज्म के वातावरण में ख़रीदते हो जैसे कि आज है आज तो खैर ऑप्टिमिज्म से भी ज़्यादा है नॉर्मली मार्केट बीस के मल्टीपल पर टॉप बनता था एंड बारह के मल्टीपल पर बॉटम बनता था तो अगर आप 12 के मल्टीपल पे खरीद रहे हो और कंपाउंडिंग ऑफ अर्निंग इज़ 15 परसेंट प्लस और वो साइकिल में जब कैचअप होकर बीस चौबीस परसेंट हो गया था जैसे पिछले तीन सालों में हुआ था तो अब भयंकर रिटर्न आता है अब एकदम रिवर्स चल रहा है कि 23 के मल्टीपल पे आप फॉरवर्ड पर खरीद रहे हो एंड अर्निंग ग्रोथ इज़ सब टेन सो इट इज़ लाइकली टू इधर हैव लॉन्ग कंसॉलिडेशन पीरियड और दे विल बी सम करेक्शन जिसमें आपको एंट्री पॉइंट मिलेंगे सो एज अ इन्वेस्टर आज से अगर आपको कंपाउंडिंग देखना है फ्रॉम हियर इफ यू गेट डबल डिजिट आई थिंक यू शुड बी वेरी हैप्पी इट स्टिल बेटर देन व्हाट यू गेट इन द बैंक बट इफ यू आर एन अलर्ट इन्वेस्टर और ये या तो कंसॉलिडेशन uh, फेज में कुछ मिल जाए या कोई ना कोई स्टॉक में क्रैक होते ही है uh -huh. जैसे बेस्ट सेक्टर है आज ई एम एस इज ग्रोइंग सिक्सटी सेवेंटी परसेंट कंफर्टेबली वहां पर भी एक स्टॉक है जो चालीस परसेंट डाउन है फॉर एग्जाम्पल सो ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त 100 परसेंट मार्केट में रहना है एंड यू मे गेट अ चांस टू स्विच फ्रॉम ए टू बी इन अ सेक्टर विच यू नो एंड अंडरस्टैंड बेटर देन एट अ प्राइस इज डिफेंसिबल बिकॉज हमारे हाथ में इन्वेस्टर के पास एक ही वेपन है एंट्री पॉइंट हाँ। बाकी तो सारा मार्केट डिक्टेट करता, करता है और मैनेजमेंट डिक्टेट करता है तो एंट्री पॉइंट पे अगर आप जिद पे नहीं अड़े रहेंगे आई थिंक यू पे अ कॉस्टली लेसन देन ठीक है एक आखिरी सवाल स्टॉक्स में चलो क्रैक आ गया नहीं आया अलग बात है मार्केट स्पेसिफिक अगर क्रैक आ रहा है मतलब जैसे हमने 2008 हज़ार से पहले वाली बुल मार्केट में तीन चार थर्टी परसेंट करेक्शन देगी थी इस बार तो छः परसेंट लोग घबरा जाते हैं तो उसके लिए क्या फैक्टर होगा क्या ऐसी चीज आएगी जिससे मार्केट क्रैक करेगा सी वॉट एवर वी नो नॉर्मली इज नेवर द रीजन बट दे आर फाइव थिंग्स आई थिंक अबाउट ओके नंबर वन दुनिया में डेट बबल बहुत भयंकर है oh. बहुत ही भयंकर एंड दैट इज वॉट इज गिविंग राइज टू द राइज ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन एंड सिल्वर एंड यूरेनियम एंड ऑल सो इट इज़ अ एंटी डॉलर विच इज़ स्टिल बेटर दैन यू के पाउंड ब्रिटिश ई एन एंड यूरो एन ऑल द डेड प्रॉब्लम सम डे इज़ गोइंग टू ब्लो एंड बिग प्रॉब्लम दूसरा जो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो रहा है कहाँ से आके हिट करता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कंपनी ओवरनाइट आप सोचते थे कि ये मारुति सिक्सटी फाइव परसेंट मार्केट शेयर है जैसे चाइना में देखा गया सिक्सटी परसेंट मार्केट यू वी पर चली गई है सो टेक डिस्ट्रप्शन अफेक्ट्स एवरीबडी आवर फेवरेट आई टी सेक्टर आवर फेवरेट फार्मास्यूटिकल सेक्टर Every sector, it's happened in our media sector, for example. So number two is tech disruption. Third is geopolitics, unpredictable है और ये न्यू गेम चल रहा है टू posture. अब कहाँ पे वॉर छिड़ जाए कहाँ पे क्या उसका रिएक्शन हो जाए उस पर रेड सी में शिपिंग नहीं जा रही है तेल नहीं पहुँच रहा है क्या होता है जियो पॉलिटिक्स इज थ्री नंबर फोर इज़ द इंटरनल पॉलिटिक्स इज बिकमिंग सो डिविज इन एवरी कंट्री बिल्कुल एकदम एक्सट्रीमिज्म पे आ गया है यूरोप में वॉर है इंटरनली अमेरिका में वॉर चल रहा है इंटरनली इसके क्या रेप्रोकॉशन और क्या बीच में कुछ नहीं है सो मॉड्रेशन इन द वर्ल्ड जो कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पिछले चालीस साल में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था वन वर्ल्ड वन इकोनॉमी वो ब्रेक डाउन है एंड दैट इज इन्फ्लेशनरी इनहेरेंटली दैट इज इन्फ्लेशनरी एंड दैट्स राइज टू हार्ड एसेड प्राइसेज अगेन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्लाइमेट चेंज कि आज अपने बेंगलोर यू नो डूब गया था hmm. और हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे 20 परसेंट ग्रोथ आएगा जब आदमी घर में ही सेफ नहीं है ऑफिस कहा से जाके काम करेगा इवन इफ यू डू वर्क फ्रॉम होम बात है बॉम्बे में ये हो सकता है दिल्ली में हो रहा है सो अक्रॉस दिस इज अ प्रॉब्लम विच टू बी सॉल्व बट ऑल दीज आर ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज कि क्लाइमेट चेंज सॉरी इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू वाई वी आर प्लेइंग इन टू दिस होल थीम ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन रिन्यूएबल्स इज एग्जैक्टली इन दट थीम बिल्कुल वाई यू आर स्टिल कॉन्फिडेंट अबाउट टेक्नोलॉजी डिफेंस इसकी दे विल प्ले इन टू दिस थी बिल्कुल करवा चौथ का चांद भी ऐप में देखना पड़ता। वो। <laughs> <laughs> था वो चांद तो दिखाई देता चलिए मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको दिवाली की बहुत 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 शुभकामना थैंक यू चलिए तो फिर इस खास कवरेज में इतना ही आप जुड़े रहिए सी आवाज़ के साथ